देखो भाई, कहानी प्यार की तो नहीं, कहानियां दुख भरी। आपने एक्स वाई तो पढ़ा ही होगा, तो ये है पहली जर्नी एक्स और ये है दूसरी जर्नी वाई। ये मैं क्यों हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और जिम बंद थे तो हमने रज के खाया। तो अब जिम खुल गए, वी विल ट्राई टू गेट बैक ऑन ट्रैक। सो आप सब्सक्राइब ठोक दें और लाइक ठोक दें। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। मैं उम्मीद करेंगे तो सारे वधिया होंगे, सारे दिन बहुत 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 वधिया चल रहे हैं। सो न्यू डे न्यू ब्लॉग, आज है सोमवार। सोमवार आज हम 16 सोमवार का व्रत रखा है। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, हम क्यों रखेंगे 16 सोमवार का व्रत, असी नहीं व्रत व्रत रखते। दूसरी बात की ना, आज हमारा सेकेंड लास्ट पेपर था, कल लास्ट पेपर है, तो पेपर दे के ना एक संतुष्टि मिल जाएगी, फिर और मजे से हम ब्लॉग बनाएंगे। और ऑलमोस्ट या मोस्ट प्रोबेबली कि इस वीक हमारा कैमरा आ जाएगा, जहाँ तक हमें सोनी सेंटर वालों ने कहा था। और आज से जिम खुल चुके हैं, तो उसकी बड़ी खुशी है। इतने दिन हो गए यार, थोड़ा सा ना वेट पुट ऑन कर लिया, फैट पुट ऑन कर लिया, तो आज हम जिम जाएंगे। और एक खुशखबरी की बात और है कि ना, राजन बाजी का ब्याह हो गया, लॉकडाउन में ब्याह। उनका पहले ब्याह होना था अप्रैल में, है ना, तब लॉकडाउन नहीं लगा था और पूरे मतलब धूमधाम से हो रहा था। अभी भी धूमधाम से ही हुआ है, बट अभी बहुत कम बंदे, मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। उन्होंने बुलाया था मेरे को, बट मम्मी ने अलाउ नहीं करा, क्योंकि कोरोना उस टाइम पीक पे था अप्रैल में। तो मम्मी ने कहा नहीं। तो आज हम जा रहे हैं, पाजी के लिए गिफ्ट भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पाजी से मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, तो शादी पे नहीं गए, उनके लिए कुछ लेके नहीं गए थे। तो हमने कहा कि मैं तेनों सामान दे देनी है, जाके राजन पाजी ने दे दी, क्योंकि राजन पाजी समवन हु इज वेरी क्लोज टू मी, है ना। इतने क्लोज है कि उनका बर्थडे 9 जुलाई को आता है और मेरा बर्थडे 10 जुलाई को आता है। तो इस फटाफट मम्मी से सामान लेते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, जिम चलते हैं, राजन पाजी से मिलते हैं और देखते हैं जिम में मतलब माहौल क्या है। एक तो मेरे को जिम शूज भी लेने हैं, मैं देखो जिम में ये वाले डाल के जाता हूँ, पर इसका फायदा क्या ही है ना, फ्लैट है तो जब स्क्वाट्स स्कूट्स मारते हैं ना तो सही हो जाता है, बट ये ख़राब हो गए हैं बड़े। कनाडा से लिए थे, फट फुट गए हैं, पर थे बड़े प्यारे यार, जब साफ थे ना अब तो बड़े गंदे गंदे हो गए हैं। दो मम्मी दो, मैं गिफ्ट दे रही है पाजी के लिए, ये आप दे दो, ऐसी दे दो और उसको आप उसमें पा दो ना, जो कार्ड नहीं है हमारा, समझ गए, पता। वेरी गुड, मम्मी भी समझदार है। मेरे प्रोटीन वगैरह सब पड़े हैं ना, प्रोटीन अभी हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि आज फर्स्ट डे है जिम का, से ब्लैक कॉफी पी के जा रहा हूँ मैं। बाकी आज से हम कोशिश करेंगे, आज या कल से, मतलब एक दो दिन में बॉडी थोड़ी सी वापसी वार्म अप हो जाए, फिर हम दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि फिर असी मोटे छोटे हो गए तो अब मजा नहीं आता मोटे होकर ना। पहले बीच में कपड़े आने लग गए थे फिट, फिर वो फिट नहीं होते तो अजीब लगता है। ये जसकरण भाई हैं जो हमारे जेके भाई, इनका मेरे ख्याल आज दिल्ली में लास्ट दिन, आखिरी दिन है, या तो ये रात को चला जाएगा या कल सुबह जाएगा। कल रात को हमने बड़े मजे करे, है ना, वो हम बता नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि बताए ना बताए, रहने देते, पर्सनल रखते हैं वो बातें, पर्सनल थी ना, ना वो नहीं बताते हम आपको, पर ये आज आज चला जाएगा। भाई आज फर्स्ट डे है, तो 20 मिनट ट्रेडमिल करना है कार्डियो, क्योंकि बॉडी गर्म होना थोड़ी सी। भाई वर्कआउट डन हो गया, पहला दिन था तो लाइट गया, ज़्यादा हैवी करा नहीं, बट अब कोशिश है कि रेगुलर करेंगे, कर पाए तो 2 दिन आएंगे और 70 किलो आना है। पाजी आ गए हमारे, हाउ आर यू, ऑल गुड। एक चीज़ तो है, मतलब दुख तो होता ही है, इतना अच्छा वेट रिड्यूस कर लिया था, इतना अच्छा मसल गेन कर लिया था, यहाँ पे फोटो आ रही होगी अगर मेरे पास पड़ी होगी, तो पड़ी तो होगी, है ना। फिर अब से दोबारा वो चीज़ शुरू करना, फेस फैट बहुत ज़्यादा आ गया, तो टफ है थोड़ा सा, बट अब करेंगे धीरे धीरे, थोड़ी सी डाइट डूइट फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि अब और ज़्यादा रिड्यूस करना है। पहले हम 84 पे कुछ आए थे, अब 87-88 कुछ हो गया, कोशिश है कि ना 70 पे आ जाए यार। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी बताओ 70 हो जाएगा मेरा। मम्मी पहले कह रही है बाल सेट कर लो, फिर बताऊंगी 70 होगा या नहीं होगा। मेरे को क्या, 70 किलो हो जाएगा मेरा। मैं मम्मी को भी कहता हूँ जिम ज्वाइन कर लो, रोज कहती रहती है मेरी कमर दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है। मैं क्या, जिस दिन आपका वेट कम हो गया ना, उस दिन कमर कुमर सारी ठीक हो जाएगी अपनी। क्या है, जिम जाएंगे फिर घर बैठ जाएंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं होता यार। मम्मी भी ना समझती नहीं है, मम्मी के ना अलग ही टोट के चलते रहते हैं। मैं चल पड़ती हूं, मेरे को क्या है। पाजी पाजी भी कह रहे थे मम्मी को लेकर आओ अपने। तो मम्मी को भी लेकर चलेंगे हम। ये देखें भाई साहब, हमारा लैपटॉप लेके बैठे हैं, जाना नहीं है आपने,
आप घर नहीं जाना, आपने इसका तो भाई जी यहीं लग चुका है। मैं कह रहा हूँ क्या करेगा, जाके यहीं रह जाए, वैसे तेरा कॉलेज भी दिल्ली में होने वाला ही है। अबे भाई गगन, हमने कल रात को इतना मजे किया ना, तू चला जाएगा फिर वो कैसे अकेले, मजा नहीं आएगा मेरे को। इन्हें बोलूंगा वो पूछेंगे मेरे मामे का लड़का कहाँ है, मैं गया आज। कोई नहीं, मेरी इंस्टा आईडी दे दियो। वो इंस्टा इंस्टा का कोई फायदा नहीं होता, कटी रहा कल। जिम से आके मैं नहा चुका हूँ, क्योंकि ना मैं नहाता नहीं हूँ ना, फिर वो चिपचिप होती है, फिर ना बड़ी परेशानी सी होती है। अब आप इसकी आवाज बंद कर लें जरा, टीवी की अपने कम कर लें। तो प्लान यहाँ ये चल रहा है कि गगन ने जाना है पानीपत, उसके साथ जा रही है मम्मी और उसके साथ जा रहा है जेके। तो दिक्कत ये आई है कि ये सोच रहे हैं सुबह जाएं या रात को जाएं, क्योंकि अभी टाइम हो गया 10:30 हो गया, अभी हमने रोटी खानी है। मैं जा नहीं रहा, मेरा भी जी बहुत था, पर मेरा कल आखिरी पेपर और जिम खुल गया, मेरा मोटिवेशन अब आ गया कि ना वेट लूज़ करना है, बहुत जल्दी करना है और अच्छा वेट रिड्यूस करना है। फिर वहाँ से चले जाएंगे, फिर बीच में से ब्रेक आ जाएगा, तो मैंने कहा नहीं आप लोग चले जाओ, हम जाएंगे नहीं। क्या हो गया प्लान चेंज, पहले इस भाई साहब ने जाना था रात को, अभी जा रहे थे, पर अभी कह रहे हैं यार कल ही जाएंगे, क्योंकि अब रात को क्या करना है, उन्हें कहता घर जाके भी सोना, यहीं जाके सोना, कल सुबह सुबह चले जाएंगे, तो यहीं पे रात को सो जाता। तो अब रात को कुछ ना कुछ हम करेंगे, देखो क्या करते हैं। बाकी भाई ये तो अपना पूरा चौड़ा के बैठा है, 4-5 दिन अपने घर से काम से छुट्टी लेके आया हुआ है, आराम से आता है, 2-3 बजे उठता है, परोठे खाता है, फिर सो जाता है। फुल मौज चल रही है बेटे। भाई सुबह के बज गए हैं 6 बज गए, सो जस्ट एडिटेड अ व्लॉग है ना, तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ना रोज अपडेट करते रहें, रोज व्लॉग डालते रहें। बीच में बड़ा कम हो गया था, मेरे को याद है लास्ट मंथ मैंने सबसे मेरे ख्याल बहुत कम व्लॉग डाले हैं, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक कि आपको रोज़ अपडेट दें कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने रोज़ एंटरटेन करिए, जिहड़ी है कोरोना की नेगेटिविटी चल रही है उसको दूर करके कुछ पॉजिटिव वाइब्स लाएँ आपकी लाइफ में, है ना। ऐसे ही आप भी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वाइब्स लाएँ, कैसे, लाइक करें 1 सेकेंड लगता है, कमेंट करें 3 सेकेंड लगते होंगे, सब्सक्राइब करें 1 सेकेंड लगता है, तो आपके कुछ लग गए 5 सेकेंड, ज़्यादा तो नहीं लगे ना, है ना, जहाँ इतना टाइम आप फ़ोन पे वेस्ट करते हो 5 सेकेंड प्लीज़ हमारे लिए भी कर दो, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और काम करें, अगली बार और अच्छे व्लॉग्स लेकर आए। बाकी ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं, बट बस अभी कैमरे की वेट करें, जब कैमरा आ जाएगा तो हम ट्रिप प्लान कर लेंगे, फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग से, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।